बड़े बड़े पोस्ट पर जाने की चाह देखी होगी, अधिकारी नेता अभिनेता बनने की चाह भी देखी होगी। लेकिन अगर कोई कहे कि डॉन बनना है तो भाई सोचना होगा कि युवा किस ओर जा रहा है। आखिर क्यों कोई युवा डॉन बनना चाहेगा? क्या सिर्फ दिखावे के लिए, लोगों में अपना डर कायम करने के लिए? खैर, फिलहाल पुलिस ने यह भूत उतार दिया है। डूंगरपुर की दोवड़ा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाला वीडियो शेयर करने पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर थाने को अर्धवार्षिक अड्डा और खुद को वाड़ा गांव का डॉन नंबर 1 बताकर लोगों में डर फैलाने वाला वीडियो पोस्ट किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने ग्रुप के लोगों में अलग छवि बनाने के लिए वीडियो पोस्ट करने की बात कही है। आरोपी ने कहा कि ऐसा करने से लोग डरते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। दोवड़ा थानाधिकारी कमलेश चौधरी बताते हैं कि सोशल साइट्स पर भड़काऊ पोस्ट, धर्म समाज के खिलाफ टिप्पणी करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। एसपी सुधीर जोशी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान सोशल साइट इंस्टाग्राम पर एक भड़काऊ पोस्ट मिली है। सुरेश पुत्र राजू खराड़ी मीणा निवासी वाड़ा पुनाली ने दोवड़ा थाना के बाहर का वीडियो बनाकर पोस्ट किया और इस वीडियो में समाज में डर पैदा करने वाला संगीत लगाकर खौफ फैलाया गया। चौधरी ने बताया कि पुलिस आरोपी सुरेश खराड़ी को डिटेन कर थाने लाई और उसके मोबाइल की जांच की तो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से दोवड़ा थाने के बाहर वाड़ा डॉन नंबर 1 नाम से और समाज में डर बनाने वाली वीडियो रील पोस्ट की थी। पूछताछ करने पर सुरेश ने बताया कि इस तरह की पोस्ट करने से ग्रुप के लोगों में अलग छवि बनती है और लोग इससे डरते हैं। इस पर पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि इस तरह की भड़काऊ और डरावनी पोस्ट डालने वालों पर निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।